Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा नंबर 22 पे आ जाए। हकायत सादी, आप लोगों ने बहुत सी हकायतें पिछली जमातों में पढ़ी होंगी। हकायत कहानी या किस्से गवारा जाता है। सादी शेख सादी की है और उनकी दो बहुत मशहूर किताबें जो उन्होंने फ़ारसी में लिखी हैं और उनका उर्दू तर्जमा जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है, लोगों में आम है, लोग उसको पढ़ते हैं और उससे सबक हासिल करते हैं। तो शेख सादी के बारे में कुछ जानते हैं कि शेख सादी हैं कौन। शेख सादी आज से तकरीबन 800 बरस पहले ईरान के शहर शिराज में 1184 में पैदा हुए। शरफुद्दीन नाम रखा गया लेकिन अपने वालिद के नाम पर मुसलिहुद्दीन कहलाए। सादी तखल्लुस किया, तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। जो सादी हैं वो शायर भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं। इब्तदाई तालीम शिराज में हासिल करके बगदाद चले गए, जो इस वक्त इल्म व अदब का गहवारा था, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह जहाँ पे ज़्यादा, तो इसके ही मतलब हुआ गहवारा, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने के मौके मौजूद थे। बड़े बड़े उलमा से फैज़ हासिल किया, बहुत से मुल्कों की सियाहत की, हज किया। 100 साल से ज़्यादा उम्र पाक कर 1696 में 1292 में इंतकाल फरमाया। आपकी हकायतें आज इतनी सदियों बाद भी ज़ोक़ो शौक से पढ़ी जाती हैं और उनसे सबक हासिल किया जाता है। नहीं, आपको इस दुनिया से गए हुए भी बहुत अरसा हो गया लेकिन आपकी हकायतें आज भी लोग बहुत ज़ोक़ो शौक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली हकायत देखते हैं, अनाड़ी मरीज़। बयान किया जाता है एक शख्स की आंख दुखने आ गई। उसे चाहिए था कि किसी मुस्तरद तबीब के पास जाता लेकिन वह जानवरों के मालिज के पास चला गया और इस अक्लमंद ने वही दवा इसकी आंख में डाल दी जो जानवरों की आंख में डाला करता था। इस हमाकत का नतीजा ये हुआ कि इस शख्स की बिनाई ज़ाया हो गई। उसने काजी की अदालत में हाजिर होकर मालिज पर मुकदमा दायर कर दिया लेकिन काजी ने सारा बयान सुनकर मुकदमा खारिज कर दिया और कहा कि अगर ये शख्स गधा ना होता तो अपनी आँखों के इलाज के लिए जानवरों के मालिज के पास ना जाता। तानाई का तकाजा है कि अगर किसी शख्स से कोई काम लेना हो तो काम सपुर्द करने से पहले इसके इल्म और अहलियत के बारे में तहकीक कर ली जाए, यानी कि अगर किसी को उसी के पास जाओ जिसको वो जो काम वो कर सकता हो। अब दूसरी हकायत।